महादेव जी कहते हैं, आपकी महानता जीवंत हो रही है, आपकी रोशनी तेज चमक रही है। कुछ भी या कोई भी नहीं रोक सकता जो आपके लिए है। अपनी दृष्टि की ओर बढ़ो, ये प्रकट होना चाहिए। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं, तो महादेव जी आपके सभी दर्द, उदासी, चिंताओं, समस्याओं, कठिनाइयों और चिंताओं को दूर करें और उन्हें खुशी, स्वास्थ्य, शांति, महादेव जी के नाम प्यार और आशीर्वाद में आमीन से बदल दे। हाँ, 3 महीने में आप करोड़पति बन जाएंगे। ताज़ा खबर, इस सप्ताह के अंत में अरबों में पैसा आ रहा है। पुष्टि करने के लिए हाँ टाइप करें। 222 एक नकारात्मक मानसिकता और एक अधीर हृदय होने से ज्यादा तेजी से आपके आशीर्वाद को कोई नहीं रोकता है। ब्रह्मांड रास्ते खोलता है जब आपकी आत्मा ऊर्जावान रूप से आपकी दृष्टि के साथ संरेखित होती है। अपने विषाक्त गुणों को स्वीकार करके उच्च कंपन करें, वास्तव में दूसरों की उपलब्धि का जश्न मनाकर उच्च कंपन करें। जितना आप संवाद करते हैं उससे अधिक सुनकर कंपन अधिक होता है। गरिमा और विनम्रता के साथ स्थिति पर प्रतिक्रिया करना सीखकर उच्च कंपन करें। अपनी आवृत्ति को बढ़ाने के लिए आप जो छोटे छोटे बदलाव करते हैं वे सफलता को तुरंत प्रारंभ करते हैं। बहुतायत के लिए अपनी आत्मा को एक चुंबक में परिवर्तित करें और ब्रह्मांड को आपको आश्चर्यचकित करने दें कि आगे क्या है। पुष्टि करने के लिए 222 टाइप करें। जिन चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वे आपके जीवन में इस तरह प्रकट होने वाली हैं कि आप उन्हें कभी समझा नहीं सकते। आप काफी लंबे समय से धैर्यवान हैं और जो आपके लिए है उसे कोई नहीं रोक सकता। निरंतर कृतज्ञता की स्थिति में रहें और केंद्रित रहें। ये सब अब आपके लिए हो रहा है। अपने दिल की गहराई से महादेव जी पर विश्वास करें। मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता, मैं महादेव जी में यकीन रखता हूँ। वो वही है जो आपको ट्रैक पर रखेगा। अपने दम पर सब कुछ पता लगाने की कोशिश मत करो। आप जो कुछ भी करते हैं, हर जगह आप जाते हैं, उसमें महादेव जी की आवाज़ सुने। हमारी प्रार्थनाओं की कोई समाप्ति तिथि नहीं है। आप कभी नहीं जानते कि महादेव जी कब, कहाँ या कैसे उत्तर देगा। बस धैर्य रखें, उनकी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। यदि आप सहमत हैं तो आमीन टाइप करें। जिसको इसकी जरूरत है उसके साथ शेयर करें। स्वर्गीय पिता, अगर आज मैं अपनी आशा खो देता हूँ तो कृपया मुझे याद दिलाएं कि आपकी योजनाएं हमेशा मेरे सपनों से बेहतर होती हैं। आपकी इच्छा को समझने और उसके अनुसार जीने में मेरी मदद करें। मुझे ये समझने में मदद करें कि आपके पास मेरे लिए कुछ सबसे अच्छा है। जब आप अपने आप को संदेह में पाते हैं तो गहराई में जाएं और याद करें कि आप कौन हैं और आपने अभी तक क्या हासिल किया है। आप तब फलते फूलते हैं जब आप अपनी सेहत को अपनी दिनचर्या में महत्वपूर्ण बना लेते हैं। इससे पहले कि आप किसी और का भला कर सकें, आपको खुद के लिए अच्छा बनना होगा। आपकी महानता तब प्रकट होगी जब आप खुद को और अपनी खुशी को छोड़ने से इनकार करेंगे। प्रार्थना एक भ्रमित मन, एक थकी हुई आत्मा और एक टूटे हुए दिल का इलाज है। जैसे आप अपने प्रिय मित्रों से बात करते हैं वैसे ही प्रतिदिन महादेव जी से बात करें। वो आपका इंतजार कर रहा है। उसके पास जाओ, वो आपके साथ समय बिताने का इंतजार कर रहा है। महादेव जी के साथ बिताया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह आनंदमय समय है। अगर आप सहमत हैं तो आमीन कमेंट करें। महादेव जी कहते हैं, आपके लिए चीजें तुरंत हो सकती हैं, अचानक आशीर्वाद की शक्ति कभी नहीं। ब्रेक थ्रू लेट यू डाउन हर सेकंड होता है। मेरी शक्ति पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। महादेव जी कहते हैं, चमत्कार बरस रहे हैं आपके जीवन में एक अजेय दर पर। आप मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से ऊपर जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? हाँ टाइप करें यदि आप तैयार हैं। जब आप धन्यवाद देते हैं जैसे कि आप पहले से ही वो प्राप्त कर चुके हैं जो आप चाहते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत दे रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, कोई आपके जीवन में आता है और आपको इतना अच्छा बनाता है और आपको निराश नहीं करता है और आपको एहसास दिलाता है कि सब कुछ एक कारण से होता है। भरोसा हो तो वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, बधाई हो।
तीन साल पहले उस बेकार पैटर्न से बाहर निकलने पर आप अभी जो निर्णय ले रहे हैं वे नहीं लेते। अपने विकास का जश्न मनाएं। महादेव जी कहते हैं, अतीत में आपको जिस चीज ने रुलाया वो उस आशीर्वाद की तुलना में कुछ भी नहीं है जो भविष्य में आपको मुस्कुराने वाला है। मुझे पता है आप नहीं बता सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना करते रहिए और एक दिन ये सब समझ में आएगा। मेरा वादा है तुमसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा पूर्ण नियंत्रण में रहता हूँ। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। ये कैसे होगा इसकी चिंता करना छोड़ दें और भरोसा करना शुरू करें कि यह होगा। आगे बढ़ते रहें क्योंकि अब समय आ गया है कि आप वहाँ से बाहर निकलें और नए अवसरों की खोज करें जो आपको नया भविष्य बनाने में मदद कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हारा संघर्ष देखा है, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं। हर आंसू के लिए मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। मैं रास्ता बनाऊंगा, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। महादेव जी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे हारा लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। लोगों का आप पर नियंत्रण नहीं है जब तक कि आप उन्हें नहीं देते। मैं आपसे प्यार करती हूँ। जीवन का एक और दिन आनंदित होने का एक और दिन है। आपने इसे पूरे सप्ताह बनाया है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आज रात आराम करो, अपने अनुरोधों से मुझे अवगत कराएं और विश्वास करें कि आपने सुना है। मैं आप पर नजर रख रहा हूँ। आप अपने स्वास्थ्य, रोजगार संबंधों और वित्त में उलटफेर देखने जा रहे हैं। ब्रह्मांड, चिंता करना बंद करो। मेरे पास लाखों बनाने की योजना है। 555 ब्रह्मांड से संकेत बहुतायत, धन, सफलता, प्रेम, ज्ञान और आनंद अभी आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। समृद्धि आपके होने की सामान्य अवस्था है और आप इसे अभी जी रहे हैं। पुष्टि करने के लिए हाँ टाइप करें। 777 धैर्य रखें और उन चीजों की प्रतीक्षा करें जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। इसका पीछा मत करो, इसके पीछे मत भागो। यदि महादेव जी चाहता है कि आप इसे प्राप्त करें तो वो आपको देगा। भगवान को धन्यवाद कहें वो सब कुछ के लिए जो वो आपको देता है। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप्पणियों में भगवान की स्तुति करो। भगवान आपका भला करे। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुतायत को प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे अनदेखा न करें।